मेरा नाम डॉक्टर शेख अहमद है। मैं गुलबर्गा से ही हूँ। यूनाइटेड हॉस्पिटल जो गुलबर्गा में है वहाँ पे मैं आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ वहाँ पे। और मैं साथ ही साथ मैं वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज जो हमारी वर्क ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, मैं उसका लीडर भी हूँ गुलबर्गा में, गुलबर्गा चैप्टर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन रामपुर जो दिल्ली के करीब है वहाँ से है। ये जो हेड ऑफिस किधर से है जी? रामपुर जो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है वहाँ पे हैं। इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब बोल के हैं, उन्होंने इसको स्थापित किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। हम गुलबर्गा चैप्टर, उसका जो ब्रांच है गुलबर्गा चैप्टर, हम उनके ही जो उनके जो रूल्स हैं उनके हम यहाँ पे फॉलो करते हैं उनको। आज उसी सिलसिले में हम यहाँ पे कांडाल ठंडे को आए थे। हमारे साथ पाँच से छः जो मेल डॉक्टर्स हैं और 4 से 5 फीमेल डॉक्टर्स, ये लोग हम गुलबर्गा से आज हम यहाँ पे आए थे, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, और मैं खुद इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, एनेस्थेसिस्ट हैं हमारे पास जो है। ये सारे लोग यहाँ पे हम लोग फ्री में यहाँ पे हमने सबको देखा है और सबको हमने टैबलेट्स भी दी हैं। 400 से ज़्यादा पेशेंट को हमने देखा है यहाँ पे, उसमें कई ज़्यादा 100 से ज़्यादा तो यहाँ पे बीपी और शुगर के पेशेंट थे, जिनको पहले से पता ही नहीं था कि उन्हें शुगर है, तो हमने उनको डिटेक्ट किया है और उनको हमने फिर से आगे के टेस्ट हमने उनको बताए हैं। और वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका नंबर हमने दिया है और उनसे वादा किया है कि उनका फ्री में उनका इलाज वहाँ पे गुलबर्गा में होगा। लेकिन साहब, अभी जो भी जहाँ भी काम बनाते हैं, आपको सपोर्ट कौन करता है साहब? ये हम सब खुद से हम अपने पैसे जो है डोनेट करके, क्योंकि हम लोग सब कमाने वाले हैं गुलबर्गा में, है ना, डॉक्टर्स हैं वो, तो हम सब जितना भी हो सकता है हमसे पैसे देकर हम लोग ये करते हैं। अच्छा, ये इसमें गवर्नमेंट का पैसा कोई नहीं है? इसमें हम गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, बस हम लोग भी जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप के हैं, सब लोग जमा करते हैं। ठीक है सर, डॉक्टर साहब आपका नाम मेरा नाम संतोष कुमार, मैं यहाँ का ग्राम पंचायती सदस्य हूँ, जो आज हाँ खंडदार, जो हमारा आज तांडे में और ये मेरा वार्ड आता, यहाँ पर एक कैंप रखे, फ्री कैंप, सरकारी अरे सरकारी नौकर निवृत्त संघ और वर्क फॉर कपचो संगठन वाले ने, जो इतना खुशी हो रही है हमारे को, कितना धन्यवाद बोले तो भी कम है इन लोगों को। ऐसे कैंप जो आप कर रहे हैं ना, ये गरीबों का दुआ आप सब जने को लगता है, इसमें नो डाउट। और जो हर एक कैंप में हम सुने हैं, हर एक कैंप में हमारे मैडम जी ने जो टिफ़िन देते कहते उनको भी हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है। और ऐसे कामा और बहुत बढ़ाने की है, हमारे जो हैदराबाद कर्नाटक कल्याण कर्नाटक के रीजन बोलते हैं ना, उसमें बहुत पीछे है। और हॉस्पिटल को जाना बोले तो कम से कम कोरोना के बाद हॉस्पिटल जाना बोले तो कम से कम 1000 से 1200 रुपये लगते, बुखार आया बोले तो हॉस्पिटल को जाना बोले तो। जो ऐसी मुसीबत में और ऐसी एक इकोनॉमिकली के बैड कंडीशन के कंडीशन में ऐसा जो काम कर रहे हैं ना, इनको हमारे तांडे के तरफ से और हमारे सभी ग्राम पंचायतियों के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरे दो बात को विराम देता हूँ। ओके, धन्यवाद।